का फॉर्म दे ना। जन्म जन्म को मैं दास तुम्हारे, करुणा करो अब तार मुरारे। जन्म जन्म को मैं दास तुम्हारे। जिन करुणामय की करुणा के लिए आज सारे करुणा पार्थी मेरे प्रिय कृति भाई के गृह पे उपस्थित है ऑनलाइन के माध्यम में, उस परम दयाल करुणा घन पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की रातुल चरणे मेरा प्रणाम। जगत जननी श्री बड़ोमा उनके श्री चरण में मेरा प्रणाम। पूज्यवाद आचार्य देव श्री दादा की चरण में मेरे प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा की चरण में मेरा प्रणाम। आज प्राय 2 महीने के बाद मेरे पुराने शहर लखनऊ में फिर आ चुका हूं। अगस्त महीना का पहला हफ्ता मेरे जीवन में, जब मेरा लखनऊ जीवन था, बहुत दुखद था। अभी भी मुझे याद है, अचानक 5 अगस्त को पुरी से सदमा भरा दुख भरा खबर पहुंचा। मैं ज्यादा गुरु भाई को जानता नहीं था, ज्यादा गुरु भाई भी नहीं था। हम दौड़ते हुए शास्त्री नगर में माथुरदा के घर पहुंचे। थे स्वरूपदा थे, उनके घर में सारे सब थे। हम लोग एकदम शोक मग्न हो गए थे। तो चलिए, ये तो आना जाना है, प्रभु की लीला। आज जिस विषय का चर्चा हम लोग करेंगे वो है, खाली करुणा काल में उनका करुणा नहीं, हमेशा कैसे उनकी करुणा प्राप्ति किया जा सके। जीवन जैसा भी हो, श्री ठाकुर जी का एक वाणी से मैं शुरू करता हूं। आलोचना प्रसंग की 11 खंड में श्री ठाकुर जी, जब तक मानव समाज रहेगा, जब तक ये धरती सृष्टि रहेगा, सभी के लिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, परमपिता की दया से तुम लोग जो कुछ पाए हो उसका तुलना नहीं है। किसी भी विपर्जय तुम लोगों का विध्वस्त नहीं कर पाएगा। मेरे परम कारुणिक, मेरे दयाल प्रभु कहते हैं, कुछ भी आपदा तुम लोगों को विध्वस्त नहीं कर पाएगा। लेकिन उनका ये आश्वासन अनकंडीशनल नहीं है। नेक्स्ट में कहते हैं, परंतु यदि तुम लोग परम पिता का रास्ते पर अटूट भाव से चल सको, यदि अटूट भाव से चल सको। श्री ठाकुर जी जिस युग में आए थे वो कोई भाव का युग नहीं है। हर चीज का मैच्योर लेवल जब था समाज में, तब श्री ठाकुर जी आए थे। 1988 का आसपास का, 50 साल आगे और 50 साल पीछे का हिस्ट्री आप देखेंगे, चरम साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हुआ, आर्ट कल्चर फ्रीडम स्ट्रगल सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, चरम का चरम वो आए। जब वो चरम के चरम आए, उनको भी तो चरम फॉर्मूला देना था। उन्होंने कोई अलौकिक तत्व के सामने नहीं रखा, गिव एंड टेक। श्री ठाकुर जी का सारे आदर्श गिव और टेक के ऊपर
डिपेंड है। हम लोग आज तक जो जानते थे दया, दया का मतलब कोई देखे जाएगा, मेरे दयाल स्पष्ट करके कहते हैं दया मतलब देख के पाओ, दिए पाओ। हम लोग बचपन से शास्त्र में जहां पे हम पढ़ते थे कृपा मतलब कोई करुणा की धारा बारिश होगा हमारे ऊपर। मेरे वास्तववादी प्रभु कलिजुग के कल की अवतार वो कहते हैं नहीं, करके पाओ, कोड़े पाओ, इसका मतलब है कृपा। तो इस पृष्ठभूमि में हम लोग जब करोना काल एक अभूतपूर्व काल है, मेरे पुरखों को नहीं फेस किया, मेरे आने वाला परजन्म भी फेस नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम अब जो करोड़ों करोड़ों देशवासी विदेशवासी सब जो फेस कर रहे हैं, ये एक यूनिक फेज है लाइफ का। इस फेज में जो सर्वाइव कर पाएगा, ये जो सर्वाइव द फिटेस्ट फॉर्मूला है, ये उनके लिए बहुत ही रोचक प्राप्ति होगा। अभी भी हम लोग फॉरगेट अबाउट सत्संग, अभी भी हम लोग जहां पे हैं वी आर नॉट श्योर वेदर विल सर्वाइव इट और नॉट। लेकिन जब सत्संगी होके हम आते हैं, देखते हैं एज ए क्लास श्री ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पे हम 100% चलने की दावा नहीं करते, कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तव में हम जहां तक करते हैं उसमें हमारा लगता है कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इस बार। उनका करुणा है हमारे ऊपर, लेकिन ये करुणा की प्राप्ति बार बार नहीं होता। श्री ठाकुर जी कहते हैं, बहुत पहले कहते, देवोतार पाए माथा ठुके, हाकीते पास बागाते माल, ठाकुर की तो रहते ही बेकूफ, हाकी देखे नए संभाल। या ठाकुर तुम इनको पुरुषोत्तम मानते हो, त्रिकालज्ञ मानते हो, उसको बेकूफ बना के सोचते हो कि सब मिल जाएगा, नहीं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कृपा पावा ताके ही बले, कृपा का प्राप्ति उसी को कहते हैं जहां पर करना और सेवा का फुर्सत नहीं है। उनके लिए करना और उनके लिए सेवा का हमें फुर्सत नहीं है, और वो जब होगा तब तुम्हारा प्राप्ति आने का भी फुर्सत नहीं रहेगा। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड, कंटिन्यूअस सर्विस टुवर्ड्स लॉर्ड विल फेच यू द करुणा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करुणा फ्रॉम हिम। इसमें श्री ठाकुर जी सत्यानुसरण में कहते हैं कि जीवन को जैसे बलि दोगे ऐसा ही जीवन पाओगे। बिल्कुल साइंटिफिक फॉर्मूला है, इसमें कोई ड्रामा का, कोई रोमांच का, कोई रोमांस का स्कोप नहीं है, ना इसमें कोई हॉरोस्कोप का स्कोप है, ना इसका कोई किसी का स्कोप है। एक ही स्कोप है कि तुम खुद को क्या बनाना चाहते हो। तो इस बनाने में हम तो करते हैं, लेकिन कृपा तो चाहिए। श्री ठाकुर जी का कृपा अगर नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे। हम तो उनका पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। आइए देखते हैं श्री ठाकुर जी मेरा ध्यान के ऊपर क्या बोलते हैं, मेरा पूजा के ऊपर क्या बोलते हैं, और मेरा जप तप के ऊपर क्या बोलते हैं जिसमें हमें प्राप्ति होगा। क्योंकि हम तो कुछ आशा लेके करते हैं ना, ऋतिक देवता से
सृष्टि ठाकुर प्राप्त हुआ। कीर्तिदा जैसा बाई बर्थ इनहेरिटेंस ठाकुर प्राप्त हुआ, उनको कोई जाजन नहीं किया। उनका जो साधना बल है उस साधना बल में एक अच्छा परिवार से उनका जन्म हुआ, आश्रम में जन्म हुआ और वो चल पड़े। सृष्टि ठाकुर जी कहते हैं लाख पूजा करो, लाख जप करो और लाख ध्यान करो। यदि तुम तुम्हारा इष्टो या आदर्श में इस तरह से आसक्त ना हो सको जिससे कि वो हर प्रकार से तुम्हारा स्वार्थ हो उठे, नहीं तो तब तक तुम्हारा वो पूजा, वो जप, वो ध्यान तुम्हारा जरूरत को पूर्ण भाव से सिद्ध करके वास्तव में तुम्हारा चरित्र को, जीवन जस और वृद्धि को उनमें निछावर नहीं कर देगा। जब तक अच्युत भाव से हम खुद को अपना मन जगत में, खाली कर्म जगत से नहीं होगा, कर्म जगत में हम इष्टों का काम करते हैं। लखनऊ में मंदिर हो रहा है, हम उसमें जुड़े हुए हैं, दीक्षा प्रोग्राम में हम जुड़े हुए हैं, ये मेरा कर्म में जुड़ा हुआ है उनके साथ, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। सृष्टि ठाकुर जी उसको एक स्ट्रेच करके मेंटल लेवल पे लेके गए। एम आई मेंटली इन्वॉल्व हुई थी? आप देखे होंगे एक परिवार में, एक परिवार की माँ पत्नी, वो अपने परिवार के लिए हर चीज करते हैं, सुबह से शाम तक, सोते तक, नींद खुलने से सोते तक वो हर चीज करते हैं फिजिकली। क्या वो मेंटली उतना ही इन्वॉल्व है जितना फिजिकली है? मोटर सेंसरी नर्व की कॉम्बिनेशन ठाकुर जी चाहते थे कि हम इष्ट कार्य जितना करते हैं उनके साथ मन जगत में भी उतना इन्वॉल्व होना है, नहीं तो क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा इष्ट काम में सब कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम विच्युत हो जाएंगे। कृपा का, करुणा का एक ही स्टेट का फॉर्मूला है, अच्युत भाव से उनसे नियुक्त रहना। सृष्टि ठाकुर जी इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा जप तप ध्यान पूजा जब तक अच्युत भाव से उनसे आकर्षित नहीं होते हो तब तक मुश्किल है। सिर्फ इसी चलते चलते सृष्टि ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि करुणा तो हम करेंगे, तुम्हें प्राप्ति भी होगी, लेकिन थोड़ा जान लो असली प्राप्ति क्या है, असली करुणा क्या है। मैं तुम्हें करुणा से बचा लूंगा, मैं तुम्हें कोई दीपता से बचा लूंगा, वो तो मैं बचा लूंगा बेटा, तुम कब तुमको बचा लोगे? विवेकानंद रामकृष्ण देव के पास जाते हैं दक्षिण में, अभाव पीड़ित था, कहते हैं ठाकुर अमर एटा ओटा अभाव। भगवान रामकृष्ण देव कहते जा जा, कोई तो माँ बसे आछे मार काछे गिये चा। तीन तीन बार माँ के पास जाने के बाद कुछ नहीं मांग सका, जब आए ओ नरेन चाहिस चाहिस मार काछे की चाहली टू बाचे, जखन तखन ठाकुर बोलछेन हाँ की अर्थ खाद्य सब चाहिबी दे मा के चा, আর তুই নিজে বট বৃক্ষ হয়ে ওঠ, এমন হয়ে ওঠ তোর ছায়ায় মানুষ শান্তি পাবে। উসি তারা ঠাকুরজি কহতে হ্যাঁ জিস জিসকা প্রাণ পরমপিতা কো লেকর মস্ত রহতা হ্যায় উসসে কোই কষ্ট কাবু নহীং কর সকতা।
जिसका प्राण परमपिता को लेकर मस्त रहता है उसे कोई कष्ट काबू नहीं कर सकता, कोई लालच उसे डगमगा नहीं सकता, कोई डर उसे डरा नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूं, श्री श्री ठाकुर जी के, इसलिए मैं बोलता हूं अच्युत इष्ट निष्ठ बनो, उससे बड़ा लाभ या प्राप्ति त्रिभुवन में और कुछ नहीं है। इष्ट निष्ठ होने से उससे बड़ा प्राप्ति, उससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं। आज श्री श्री ठाकुर जी के इस बातों को आगे बढ़ाते हुए हम दयाल की श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी तुम्हारा चलने, तुम्हारा पथ में चलने से तुम लाभ के बात करते हो, हमें कृपा करो कि तुम्हारा चरणों के प्रति, तुम्हारा चरणों के प्रति हम सबका लोभ हो, लाभ के साथ साथ, लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ मतलब प्रेम मोहब्बत और लोभ मतलब ग्रीडी, हम निडी और ग्रीडी हो जाए उनके श्री चरणों के लिए। श्री ठाकुर जी ऐसा समय में आए, वो बोल के गए, देखो जो जो मैं तुम लोगों को बोलता गया तुम लोग नहीं किया, इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर श्री बड़दा पूज्यपद श्री दादा पूज्यपद बाबाईदा धीर हाथ से सत्संग का हाल नहीं धरते, नहीं पकड़ते, दीक्षा को मेन फोकस एक्टिविटी नहीं करते, आप सोच सकते हो कितना आदमी हम लोग गंगा प्राप्ति कर चुके होते। हजारों हजारों सस्तनी देके करुणा का जो बारिश है श्री श्री ठाकुर जी ने पूज्यवत बाबाईद के माध्यम से हमारे ऊपर बारिश किए हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता था अचानक इतना सस्तनी देने का क्या मतलब है। आप लोग यहाँ पे जो कर्मी लोग हैं, आप लोग जो कर्मी लोग हैं, आप लोग देखते होंगे दीक्षा जब आश्रम में कर्मी सम्मेलन में जब पाठ होता था इतना लाख दीक्षा हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट होता था, और जब सस्तनी की बात आता था 2350 सस्तनी हुआ, इनमें से अर्कदूती चक्रवर्ती दा ने 2500 दिया बस। कई लाखों में दीक्षा और कोई हजारों में 100 में सस्तन। इस गैप को ब्रिज करने का बहुत जरूरी है। सावन महीना है, माता सरस्वती वाला का महीना है, भादो महीना आ रहा है, ऊपर करुणा काल मंडल रहा है, मेरे आवाज जिनके जिनके पास जा रहा है और जिन्होंने मेरे को सुन रहे हैं आगे चल के मेरे करजोर विनती है, मैं प्रणाम करके आप लोगों को विनती करता हूँ, आप लोग आपस में परिवार में सस्तनी व्रत लीजिए, छोड़ दीजिए, अगर बचना है तो छोड़ दीजिए किसी को मारना। आसपास अरस परस में आप शाकाहारी भोजन का प्रमोट कीजिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अमेरिका से एक दादा आचार्य जीदेव दादा को श्री चरणों में निवेदन किया कि हम लोग बचेंगे कैसे, यहाँ तो सब आदमी दीक्षा नहीं लिया, कोई सस्तनी भी नहीं लिया, इन लोगों के ऊपर दयाल का करुणा कैसे होगा। संतल परगना के देवघर में एक कोने में अपने कमरे में अमर प्रभु के प्रतिभू दादा माहौल देते हुए कहते हैं, चाहे दीक्षित हो चाहे ना हो, सस्तनी करे या ना करे, जो जो श्री ठाकुर जी का सदाचार विधि पालन करेगा
उनका कोई डर नहीं है। बस अगर आप लोगों को लोग समझते हैं कि सस्तैनी में कोई प्रॉब्लम है, सस्तैनी कभी खान पान का नहीं है। सस्तैनी का 5 फॉर्मूला है, इसमें आप जब देखेंगे एकदम लास्ट में है शरीर को ठीक रखना। खान पान में रुकावट आने से हम सस्तैनी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि देखो जीवन में दुख कष्ट आएगा, उसको कैसे ओवरकम करना है, उससे क्या सीख लेना है। वो 26 जनवरी 1948 में जब देवघर में आ गए थे, वो एक लंबा प्रसंग में बोलते हैं, जो आलोचना प्रसंग है 10th वॉल्यूम में लिपिबद्ध है। एक पैराग्राफ मैं पढ़ के सुनाता हूं। दुख कष्ट के लिए 16 आना राजी होना पड़ेगा। ये मत सोचो तुम कि तुम्हारा घर पे चोरी नहीं होगा। उस वक्त बहुत चोरी होता था, आजकल तो होता नहीं है। उसका सबसे ज्यादा खतरा था कि हमारा घर में चोरी हो जाए। तो श्री ठाकुर जी उसी माहौल को देखते हुए कहते हैं, ये मत समझो कि तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगा, बाल बच्चा का बीमार नहीं होगा, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगा, अभाव झगड़ा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब होना है, लेकिन ये सब होने पर इससे ऐसा तजुर्बा लेना चाहिए जिससे फ्यूचर में उस सब ना हो, और अगर होता भी है तो उसे तुम मैनेज कर सको। क्या सलूशन है? कोई गारंटी नहीं लेते। त्रिकालदर्शी पुरुषोत्तम भगवान, दुनिया का मालिक, कोई मिराकल नहीं। कहते होगा, उसको फेस करो, फेस करके उससे एक्सपीरियंस गेन करो, फिर फ्यूचर में जो आएगा उसको तुम टैकल करो। तभी तो श्री ठाकुर जी का जो दैनंदिन दिनचर्या है उसमें ही है हम उनके कैसे करुणा प्राप्ति करें। श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं, कर्मफल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, परंतु कंटिन्यूअस इष्ट चलन रहने से कोई कोई कर्मफल अंडन नष्ट हो जाता है, कोई कोई लेसर मात्रा में आता है, और कोई कोई बिल्कुल अकार नहीं होता, पुनर्वृत्ति नहीं होता। जो जो घटता है उस सब में, उस सब को नियंत्रित किया जा सकता। वर्तमान में अगर किसी का चलन त्रुटिहीन होता है, तो वर्तमान में क्या फ्यूचर का दुख दर्द आने का रास्ता बंद हो जाता है। इसका मतलब है, अगर हम अभी कुछ कर्मफल क्रिएट करते हैं और साथ साथ इष्ट चलन में चलते हैं, वो फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दैट विल बी एंड विल बी मैनेज्ड बाय हिज ब्लेसिंग। इस लाभ का मूल है इष्टानुग चलन और आत्मनियंत्रण। इसका अलावा आसमान से कोई सुख सुविधा टपक नहीं पड़ेगा। कुछ किए बिना पाने की आशा मत करो, और मैं भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। दयाल दया करके कहते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये सारे बातों में दो चीज उभर के आता है, मैं अभी कंक्लूड में जाऊंगा। दो चीज उभर के आता है, इससे ठाकुर जी हम लोगों को बिल्कुल एक्शन पे रखे हैं, एक्शन मोड में। कोई भावालुता, कोई फ्यूचर थॉट, या कोई प्रोटेक्शन के बात डायरेक्टली नहीं कहते, उनका कृपा अनुकंपा होगा ठीक है, लेकिन एक्शन मोड में रहने में ये कहते कि एकदम अपना उसमें रहो, ठाकुर के कर्म में, ठाकुर की मर्म में। हम कर्म में तो टच रहते हैं, लेकिन मन में, अपने मन के साथ भी उनका जुड़ाव होना है।
तभी ठाकुर जी कहते कि बनत बनत बन जाए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा होगा नहीं कुछ, बेटा मैं ऑन कर दो वो ये कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा एक रोचक उनका वाणी है जो उसको बोल के मैं खत्म करूंगा। उस वाणी में कहते हैं भक्त बीता है यही कह के बैठे तुम मत रहना, पालना होगा करना होगा मन की जैसी भावना। दिन गलो रे यही बोले तोर बसे थकले चलबे ना, ধরতে হবে করতে হবে যেমনটি তোর কামনা। এই তো বাত হ্যাঁ, খুদ কহতে হ্যাঁ কি হমকো জো প্রাপ্তি তুমি হ্যাঁ ও করনা পড়েগা, করুণা নেই যায়গা, করুণা আনে কা একই রাস্তা হ্যায়, গভর্নমেন্ট কি জো বিধি है उसको पालन करना, वो आपका फिजिकल इम्यूनिटी होगा, मेंटल इम्यूनिटी जो है कोई टैबलेट कोई लिक्विड आपको नहीं दे पाएगा, वो जो मंत्र है वो मंत्र ही देगा। कारण पुरुषोत्तम का जो जननी है, पुरुषोत्तम के जननी ने बोल के गए, और मैं हमेशा बोलता हूँ जब बीपता आता है, जब अपना दुख दर्द दुख कष्ट रोग व्याधि होता है, रोग शोक व्याधि जरा दूरे पलावे तारा, आनंदे राधा स्वामी गाओ रे। हम तो राधा स्वामी गाते हैं, जो एडजेक्टिव है आनंद, उस आनंद को ढूंढना पड़ेगा। क्या आउट ऑफ कंपल्शन हम करते हैं? दीक्षा के टाइम में हम जो प्रतिज्ञा किए थे, देखिए उज्जवल बाबा ने बोला कोरोना काल क्या पूरा मृत्यु काल तक कंपन के साथ शाम सुबह प्रार्थना के बाद आधा घंटा नाम करना है। उन्होंने आदेश नहीं दिया, इच्छा जताया। गुरु परिवार से पुरुषोत्तम से हमारा कोई आदेशावली नहीं होता है। सत्संग में या तो विज्ञप्ति होता है, सूचना होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई मेमो नहीं इशू होता। आज परमपिता के इस पावन सत्संग में मैं आप लोगों की तरफ से दयाल के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि दयाल आप तो जगन्नाथ हैं। हम बचपन से सुने आ रहे हैं कि जगन्नाथ देव का हाथ नहीं होता, जगन्नाथ देव को पकड़ना पड़ता है। आप हमें आशीर्वाद करिए कि आप हमें अब मत धरिए, अपने हम लोगों को बहुत धर लिया, अभी हमारा टाइम आ गया तो गिव यू कि हम आपको पकड़ सके। हम लोग मन से ही बोल सकते कि हम ठाकुर जी को पकड़ के चलते हैं। आइए इसी प्रार्थना के साथ मैं पुनः मेरे भातृप्रतिम कृति भाई को अपना हृदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दयाल की दो शब्द आप लोगों के सामने रखने का मौका दिया है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।